वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। इसके पहले हमने पढ़ा था एमीन्स के जो फॉर्मूला और उसके जनरल कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अब इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन जो है हमारी वो होती है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का मतलब RX, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम अमोनिया से। तो HX बाहर चला जाता है, ये यहाँ से H और X बाहर चला जाएगा, RNH2 बन जाता है, ये बन जाता है प्राइमरी एमीन। सेकेंड मेथड एल्कोहल से बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम सबार्टियर मेथड्स। इसमें एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम अमोनिया से, जिसमें अल्मोनियम ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, तो जिससे यहाँ से H2O बाहर चला जाता है और NH2 अंदर आ जाता है। ठीक है, ये दो प्रिपरेशन हो गई। अब इसके बाद हमारी फॉर्मल्डिहाइड से प्रिपरेशन है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया से, तो ये मिथाइल एमीन बना लेता है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, तो मिथाइल एमीन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर चला जाता है। इसके बाद है ये रिडक्शन वाला मेथड, जो अभी हमने नाइट्रो कंपाउंड में पढ़ा था। ये नाइट्रो एल्केन है, उसका हमने रिडक्शन करा एसिडिक मीडियम में, हमने पढ़ा था SN और HCl की प्रेजेंस में, है ना। 6 नेसेंट हाइड्रोजन आ रही थी जो प्राइमरी एमीन बना रही है, प्लस यहाँ क्या बन जाता है H2O। तो ये प्राइमरी एमीन नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पहले प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इससे भी प्राइमरी एमीन बनता है, ये है हमारा थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड की रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो ये इसका ये एच और ये OH, ये मिलके वाटर बना लेता है और के जो है वो एच की पोजीशन पे पहुंच जाता है, ये बन जाता है हमारा पोटेशियम थैलामाइड। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, तो ये पोटेशियम हैलाइड जो है KX, ये बाहर चला जाता है और उसकी जगह जाके जुड़ जाता है R, तो ये बन जाता है एल्काइल थैलामाइड। अब इस एल्काइल थैलामाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्काइल थैलामाइड मतलब ये बनता है, ये CO, ये CO, N और K, N और R, ये एल्काइल थैलामाइड। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, ये RNH2 बन जाता है, यहाँ 2H आ जाते हैं, यहाँ OH और OH, तो इस तरीके से ये थैलिक एसिड बन जाता है और थैलिक एसिड के साथ साथ प्राइमरी एमीन बन जाता है। ये थैलिक एसिड और ये प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। इसमें हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमको एमीन मिल जाता है। इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है उससे एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, यानी ये कार्बन चेन की लेंथ को कम करने में काम आता है। जैसे ये यहाँ पे लिखा है RCONH2, R की जगह हम लिख दें CH3CONH2, तो इससे जो हमको एमीन मिलेगा वो है CH3NH2, मतलब यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 1 कार्बन वाला, तो इससे चेन की लेंथ कम हो जाती है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्काइलेशन, एल्काइलेशन से हम सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं, टर्शरी एमीन बना सकते हैं, इथाइल एमीन, यानी जो हमारा प्राइमरी एमीन है उसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, तो हमको सेकेंडरी एमीन मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कार्बल एमीन रिएक्शन। कार्बल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH फॉर्म अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन में वापस से पढ़ेंगे, यही आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन है कार्बल एमीन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड से, जिससे कि ये बन जाता है हमारा प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड से मर्करी की प्रेजेंस में, जिससे ये एडिशन कंपाउंड बनता है। फिर ये एडिशन कंपाउंड हाइड्रोलाइज होके
बना लेता है आर एन सी एस, ठीक है, आर एन सी एस, जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए इस रिएक्शन को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। फिर है एरोमेटिक एमीन का हेलोजिनेशन। एरोमेटिक एमीन के हेलोजिनेशन में एनिलीन के रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, तो 2, 4 और 6 ये जो तीन पोजीशन है उस पर बी आर आ जाता है, जिससे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। कुछ नहीं होता है, ये आपका एनिलीन है ना, यहाँ का एच, यहाँ का एच और यहाँ का एच रिप्लेस कर दिया जाता है, बी आर आ जाता है, ये बी आर आ गया, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और आइसोसाइनाइड होता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, अब एल्काइल साइनाइड कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो ये के एक्स अलग हो जाता है, सी एन यहाँ आ जाता है, ये बन गया हमारा एल्काइल साइनाइड। ठीक है, इसके बाद डाइएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं हम। डाइएजोनियम सॉल्ट्स में क्या होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है ये ए आर मतलब एरोमेटिक, सी सिक्स एच फाइव, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी सिक्स एच फाइव भी लिख सकते हैं, सी सिक्स एच फाइव एन टू सी एल, इसके रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो सी सिक्स एच फाइव सी एन बन जाता है, ये दोनों एन टू निकल जाती है, के सी एन निकल जाए, ये बन गया साइनाइड। आइसोसाइनाइड बनाना है तो ये वही कार्बोलैमिन वाली रिएक्शन आपकी है, कार्बोलैमिन से बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो ये प्रिपरेशन हो गई साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसमें एडिशन रिएक्शन वगैरह आ सकते, रिडक्शन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना, एक रिडक्शन और एक स्टीफन रिएक्शन, ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एल्काइल साइनाइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन से निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और एमीन बन रहा है, ये एमीन बनाने का एक मेथड भी है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, इसमें साइनाइड एसन और एच सी एल के साथ रिएक्ट करता है, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, ये हम साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये स्टीफन रिएक्शन के नाम से जाने जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है डाइएजोनियम सॉल्ट इज सी सिक्स एच फाइव एन टू सी एल। ठीक है, ये बनाएंगे, अब ये कैसे बनाएंगे देखो, इसमें एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम एच एन ओ टू से, और ये एच एन ओ टू कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमको एन ए एन ओ टू और एच सी एल की रिएक्शन से, ये दोनों मिलके एच एन ओ टू बनाते हैं। ठीक है, जब एच एन ओ टू एनिलीन से रिएक्ट करता है तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो आपका सैंडमेयर रिएक्शन देता है ना, गट्टरमान रिएक्शन देता है, ये सब हमने पहले पढ़ रखी है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। सैंडमेयर में डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड और एच सी एल या कॉपर ब्रोमाइड और एच बी आर के साथ डालते हैं, तो ये एन टू बाहर निकल जाता है, एच सी एल वापस बाहर निकल जाता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ये सैंडमेयर। सैंडमेयर और गट्टरमान में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सी यू सी एल लेते हैं, गट्टरमान में सी यू और एच सी एल होता है, और सैंडमेयर में सी यू सी एल और एच सी एल होता है, ये डिफरेंस है, दोनों में बनता वही है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद कपलिंग रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है इसकी। कपलिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये डाई बन जाती है, इसका सी एल और इसके ऑर्थो पोजीशन ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकल के एच सी एल बनाता है, और ये दोनों रिंग जुड़ जाती है,
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका जैसे ये डाइएजोनियम क्लोराइड है एंड डबल बॉन्ड एन सी एल प्लस फिनॉल ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये फिनॉल, ये एच और ये एच सी एल निकल गया, अब ये एन इस फिनॉल से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो ये आपका पूरा जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे वो फिनिश हो गए, ये चैप्टर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ओके बाय बच्चों।